बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज आप लोगों के लिए चिकन कलेजी की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। इसके लिए मैंने कलेजी ली है तकरीबन एक पाव से थोड़ी सी ज़्यादा, और एक मीडियम साइज़ प्याज है, टमाटर है दो मीडियम साइज़, और हरा धनिया है और हरी मिर्च है। ड्राई इन्ग्रीडियंट्स मैंने लिया है, नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है। इसके अलावा चाट मसाला और गरम मसाला लिया है, दही लिया है मैंने हाफ कप से थोड़ा कम, और ऑयल लिया है हाफ कप। अदरक लहसुन मैं इसमें ग्रेट करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो चॉप्ड या पेस्ट डाल सकते हैं। चिकन की कलेजी बहुत ही फ़ायदेमंद है, ख़ासकर ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए, क्योंकि ये खून भी बनाती है, ताकत देती है, इसमें प्रोटीन और कैल्शियम होता है, और जो बच्चे कमज़ोर होते हैं उनको ये कलेजी ज़रूर देनी चाहिए। तो मुर्गी की कलेजी जो है वो भूख भी बढ़ाती है। चूँकि मुर्गी की कलेजी का जायका इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर उसे मेरी इस रेसिपी से अगर आप बनाएंगी तो बहुत ही मज़े की कलेजी तैयार होगी, और बच्चे बहुत ही शौक से इसे खाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पैन में ऑयल डालेंगे, ऑयल ज़रा सा गर्म होगा तो आपने इस पे प्याज ऐड कर देनी है। प्याज मैंने यहाँ पे ऑमलेट कट काटी है, आपने देखा होगा, प्याज को मैंने यहाँ पे स्लाइसेस में नहीं काटा है, ऑमलेट कट वाली जो प्याज होती है छोटी छोटी, मैंने वो काटी है। प्याज डालने के बाद आपने इसे एक से दो मिनट सौते करना है। सिर्फ आपने प्याज को इस ऑयल में सॉफ्ट करना है, ब्राउन नहीं करना है, बस एक से दो मिनट आपने इसमें चलाना है तो आपकी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन जो चॉप्ड हमने किया था, ग्रेट किया था, वो ऐड कर देना है। आप पेस्ट भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन को एक से दो सेकंड तक आप सिर्फ चलाएंगे, और साथ ही आप इसमें डाल देंगे कलेजी चिकन की, और चिकन की कलेजी को आप एक से दो मिनट चलाते रहेंगे पैन में, ताकि वो अपना कलर चेंज कर ले। जब तक ये बहुत सॉफ्ट होती है और बहुत जल्दी ये बन जाती है, सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये आपको चिकन कलेजी तैयार हो जाएगी आपकी। तो अच्छी तरह इसको चलाने के बाद जब इसका कलर आपका बिल्कुल चेंज हो जाए तो आप इसमें तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स अपने डाल देंगे। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आपने इसमें तकरीबन एक कप पानी डाल के और इसे ढक के रख देना है। मीडियम आंच आपने रखनी है। तकरीबन 10 मिनट के बाद आप देखेंगी कि पानी इसका थोड़ा सा कम हो गया है और कलेजी जो है वो आपकी बिल्कुल गल चुकी है। तो आप इस पॉइंट पर टमाटर और दही ऐड करेंगी और उसको अच्छी तरीके से भूनेंगी। आंच आपकी मीडियम रहेगी, और इसी मीडियम आंच पे दही और टमाटर का पानी जब खुश्क हो जाएगा तो आपकी कलेजी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और आखिर में आप हरा धनिया और हरी मिर्चों की गार्निशिंग कर दें तो जी आपकी मज़ेदार सी चटपटी सी कलेजी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इस पॉइंट पर आप अपने चमचे से थोड़ी सी कलेजी को तोड़ तोड़ के छोटा कर सकते हैं। कलेजी में आपको सिर्फ नमक का ख्याल रखना है, ज़्यादा तेज़ नमक नहीं होना चाहिए, कम से कम नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। ये देखें जी, कलेजी का तमाम पानी खुश्क हो चुका है और ये अच्छी तरह भुन चुकी है, ये तैयार है। अब इसमें हम हरा धनिया और हरी मिर्चों की गार्निशिंग कर देंगे, और जी ये हमारी तैयार है कलेजी। तो जी आइए गर्मा गर्म कलेजी सर्व करते हैं, इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। बहुत ही मज़े की लग रही है देखने से, और खाने में भी ये उतनी ही मज़े की कलेजी बनी थी। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, क्योंकि ये खून बनाती है और बच्चे इससे ताकत मिलती है बच्चों को, तो ग्रोइंग एज के बच्चों के लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आप इसमें हल्का मसाला रखें और बच्चों को खिलाएं तो यकीनन वो बहुत ही खुशी से खाएंगे। इसको आप बच्चों को बन में लगा के भी दे सकते
सकते हैं या रोल बना के दे सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप इसको कलेजी को दे सकते हैं बच्चों को। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह मियाँ आप सब लोगों को खुश रखे और आप सब लोगों के खानों में बरकत दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।